13 तारीख आप सबका स्वागत है। तो हमें अपराधों से बचना है। प्रभुपाद कृपा से हम एक बात कहते हैं, आयु हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है नहीं, बिना कुछ किए। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, आपके दिन जीवन से मर गया, हम मृत्यु के निकट आ गए। इसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। प्रयास क्या करना है कि अपराधों से बचना है। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। जब तक हम अपराध करते रहेंगे ना, तो तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और समय बीता जा रहा है, और आप देखो कि वो जो आखिरी समय है जीवन का, उस समय में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। उस समय मदद करने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। अभी जैसे परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, चाचे हैं, ताऊ हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत कुछ है। ये कभी कोई बीमार हो जाए, एक दूसरे के हाल पूछते हैं, मदद करते हैं, लेकिन जो जाने का टाइम है, उस समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और आप सब कृपा करके उसको याद रखो, जाने के समय को याद रखो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 9th श्लोक में कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? ये आ रहे हैं, सबके लिए आएंगे, इनसे कोई नहीं बच सकता। कोई कहे कि मैं बच जाऊंगा, कुछ रिश्वत दे दूंगा या कुछ और कर लूंगा, कुछ भी करो आप नहीं बच सकते थे। कोई भी नहीं बच सकता। पर एक बात संत लोग समझाते हैं, हाँ तो कृष्ण बलराम की प्रभु प्रभुपाद भी पहन सकते हैं। एक संत, एक महात्मा ने कहा है, संत समझाते हैं पर समझना नहीं समझना हमारे ऊपर है। और कई बार हमारी समझ काम क्यों नहीं करती, उसका कारण है हमारे पाप कर्म, हमारी बुराइयां, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी समझ नहीं काम करती। और जो मृत्यु है वो सबको समझा देती है। उस समय समझ आए तो कोई लाभ नहीं है। अगर हम पहले समझते हैं और अपना रास्ता ठीक बना लेते हैं, फिर सब अच्छा है, फिर प्रभुपाद कृपा से सब ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते, फिर ठीक नहीं है, फिर बहुत खराब है। इतना खराब है कि वो हम सोच नहीं सकते। संत ने कहा है, मेरे पीछे आप सब बोलो, आए हैं तो जाएंगे, जो दुनिया में आया उसको जाना है। कौन कौन? राजा रंक फकीर, अगर कोई राजा है। अभी देखो, यहाँ का पहला राजा था शिव सागर राम गुलाम, था नहीं था, कहाँ है वो भी? उसके बाद जगन्नाथ बना, वो कहाँ है? कोई यहाँ रह नहीं सकता। लेकिन ये बातें प्रभुपाद कृपा से हमने समझनी है, हमारा भी समय आएगा, आप में से भी कोई नहीं बचेगा, सबका समय आएगा। और ये भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि वृद्ध होके ही आदमी जाता है, बिल्कुल नहीं,
उधमपुर की एक बात मैं बताता हूँ। एक पति पत्नी मंदिर में आते थे, उनका बच्चा हुआ तो बेटा, शुरू से बच्चा मंदिर में भी आने लगा। दो ढाई साल का जब हुआ, ढाई साल का तो अभी वो जब पहला उसका बर्थडे मनाया तो मैंने उसको धोती कुर्ता दिया, बच्चे को, बच्चों वाला धोती कुर्ता। अपनी माँ को कहता है वो जो गुरुजी ने धोती कुर्ता दिया मुझे पहनाओ, मैं मंदिर में जाऊँगा। उस बच्चे के इतने अच्छे विचार थे, मंदिर में आना, प्रणाम करना, सारे भक्त उसको प्यार करते थे, भाई बड़ा कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन हुआ क्या, ढाई साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उसने। किसी भी अवस्था में कोई भी जा सकता है, वृद्धावस्था में तो जाना ही जाना है, पर उससे पहले भी जा सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अभी कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं, उनको कहो भाई भजन करो, ये को भजन का टाइम है हमारा, हम करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज जो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव भक्त हुए, तो उनके जो साथी जितने भी थे वो सब राक्षसों के बच्चे थे। प्रहलाद महाराज भी राक्षस के बेटे थे। जैसे ही उनके गुरु क्लासरूम से बाहर जाते थे शंड और अमरख, तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे। कीर्तन करवाना, तो वो राक्षसों के बच्चे कहें, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, हम भगवान का नाम लेंगे जब हम वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए, नॉट लेटर देन 5। 5 साल का बच्चा क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं ये शरीर बहुत दुर्लभ है, जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, जो जन्म है उसकी मृत्यु है, शरीर की मनुष्य की भी मृत्यु है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। तद अपि ध्रुवम अर्थदम, अर्थपूर्ण क्या है, यूजफुल क्या है, कि इसके द्वारा हम अपने घर को वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। इसलिए है ये भी नश्वर शरीर, जैसे 84 लाख योनियों का आपने सुन रखा है, सभी नश्वर हैं। अभी जैसे वृक्ष में भी आत्मा है, वृक्षों की योनि बड़े। एक बार हम सैन फ्रांसिस्को में थे, वहाँ हमको बताया गया यहाँ वृक्ष हैं 5,000 साल पुराने, इतने बड़े बड़े उनके वो तने जो हैं 5,000-7,000 साल पुराने बेचारे खड़े हैं वृक्ष, योनि भोग रहे हैं, पर एक दिन उनको भी समाप्त होना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये शरीर जैसे बाकी नश्वर हैं, चाहे लंबी आयु है या छोटी आयु है, कुछ कीट पतंग बहुत जल्दी मर जाते हैं, पर ये शरीर भी नश्वर है। नश्वर जरूर है पर ये अर्थपूर्ण है, क्यों? इसके द्वारा हम श्री कृष्ण को मिल सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को मिलने का काम हमको 5 साल की अवस्था से ही शुरू कर देना चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी तो 5 साल के ही थे, और हमारा यही कल्चर था, वैदिक कल्चर यही था। भारत में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, और गुरुकुल का भी वर्णन भागवत में आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के हित के लिए कार्य कर, और उसको क्या ज्ञान दिया जाता था, ये नहीं कि पेट कैसे पालना है ना, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कैसे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, कैसे परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति, ये ज्ञान दिया जाता। अभी वो ज्ञान खत्म कर दिया दुष्ट लोगों ने, पेट पालने का ज्ञान, शिक्षा क्या है, वो पेट भी नहीं पलता कई बार,
बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन भूखे मर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये श्री नश्वर जरूर है पर अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सहपाठियों, 5 साल की अवस्था से ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। और भक्ति प्रहलाद महाराज ने कीर्तन का प्रचार किया, प्रहलाद महाराज कीर्तन करवाते थे सबको। तो प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया कीर्तन से, आओ थोड़ा हम भी कीर्तन कर लें। बड़े प्रेम से सबने बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरिभक्त और माताओं, उस आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए प्रभुपाद कृपा से, प्रहलाद महाराज की कृपा से कीर्तन करो। गौर नेता है सदा कीर्तन, हाथ खड़े करके कीर्तन करते थे, लोगों से कीर्तन करवाते थे। कलयुग के लोगों का उद्धार केवल कीर्तन से है। 4 युग हुए, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग। कृते यद्यायतो विष्णु त्रेत्याम यजते मखय द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनार। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान का ध्यान किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापर युग में मंदिर में भगवान के विग्रहों की सेवा करके, मूर्तियों की सेवा करके उनको प्रसन्न किया जाता था। कलयुग में कलो तद हरि कीर्तना, केवल हरि कीर्तन से। हरे कृष्ण कृष्ण कलयुग में हरि कीर्तन। बस एक भजन में हम गाते हैं, आप ही पीछे बोलो, ये बातें याद रहें तो काम आएंगी ना अंत में। हरी जप ले तू मेरी प्यारी रसना, हरी जप ले रसना जीवा, हरी जप ले तू मेरी प्यारी रसना, हरी जप फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत अभी तू नाम जप मेरी जीबा मेरी रसना, पता नहीं अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी। पता आपको जब आखिरी समय आता है तो जुबान बंद हो जाती है, पता आपको नहीं? भारत में तो पता है, मॉरिशस के लोगों को पता नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो बोलते क्यों नहीं? फिर एक बोलता है दूसरा नहीं बोलता है। अरे सब बोलो, ध्यान रखो इन बातों का, वो आने का समय कब आ जाएगा पता नहीं है। इसलिए जीवा को कहा कि तू नाम जब भगवान का अंत समय में तू पता नहीं हिले, और जब अंत में अगर नाम हो गया भगवान का तो ये जीवन सफल है। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ।
और हम जीवन काल में निंदा चुगली में लगे हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं। अंत समय में याद रखो, जो निंदा चुगली करता है, जो दूसरों के दोषों को देखता है, अपने दोष नहीं देखता, उसको अंत में बेचारे की वही गति होगी, वही बुराइयां याद आएंगी, जीवन खराब हो जाएगा। तो हमें अपने अंत समय को अच्छा बनाने के लिए अभी का ध्यान करना है। प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद ने तुम्हारा ध्यान करवाया है सर्व, नहीं तो लोग सब बेकार हो रहे थे दुनिया में, भारत में, सब जगह। मतलब ये जो मटेरियलिज्म भौतिकवाद इतना फैलता जा रहा था कि लोग बुरी हालत, जो भौतिकवाद ये विदेशी लोग फैला रहे थे, प्रभुपाद जी ने जाकर पहले उन्हीं का कल्याण किया, उनको भक्ति मिल गया, जो कि असंभव जैसी बात थी, ना भूतों ना भविष्य थी, जो हिस्ट्री में पहले हुआ ही नहीं। प्रभुपाद गए और वहां पर उन लोगों का कल्याण कर दिया, विदेशी लोगों को भक्ति में लगा दिया। प्रिय बंधुओ, अंत समय का चिंतन करो, वो सबके लिए आएगा। भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। तो प्रभुपाद कृपा से मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारा अंत अच्छा हो। अंत अच्छा तभी होगा जब जीवन काल में हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। हम अपने अंदर देखें, झांक करके, कितने अपराध मैं कर रहा हूं, कितना अपराधी मैं हूं, तो कैसे कल्याण होगा मेरा। प्रभुपाद के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में, कृष्ण बलराम के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में, गौर नेता के चरणों में, नृसिंहदेव के चरणों में यही प्रार्थना करनी है, मेरे दोषों को दूर करो, मेरी बुराइयों को दूर करो। तुलसी माता के चरणों में यही प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये सभी तुलसी माता भक्त हैं, बहुत बड़ी भगवान की। प्रभुपाद बहुत बड़े भक्त हैं, जिन्होंने ये सब कुछ हमको दिया, इनके चरणों में और कुछ नहीं भाई, बस मुझे भक्ति दे दो, मुझे अपराधों से मुक्त कर दो। मैं अपराध ना करूं, अपराधों से मुक्त हो जाऊं। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। तो ये तब होगा जब हम अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण के निकट आएंगे। अपराधी व्यक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता, और ये नहीं है कि बड़ा पैसे वाला भगवान को मिल सकता, पैसे वाले भी मिल सकते हैं, पर कोई भी भगवान को मिल सकता है। गीता में भगवान सब कह रहे हैं, क्या कहा भगवान ने, मांगी पार्थ विपाशित्य, ये पार्थ ये पिशु पाप योनिजा, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास ते पी जाती परम गति। ये पार्थ जो मेरी शरण में आ जाता है, वो चाहे स्त्री है या वैश्य पाप योनि है, स्त्री मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, गीता पढ़ो, मांगी पार्था स्त्रियो वैश्य, बनिए लोग भी बेचारे झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं बड़ी, वैश्य और शूद्र, शूद्र जो लेबर क्लास है, वो इनमें से कोई भी पाप योनि जो है भगवान की शरण में जाती है, भगवान इतने दयालु हैं, उसको परम गति दे देते हैं। परम गति क्या है, वो धाम में चला जाता है। इसलिए हमको करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करनी है, थोड़ी सी आप हम सब कर लें। श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम,
श्री कृष्ण शरणम्। श्री राधा शरणम्, श्री राधा शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, मेरे प्यारे हरे भक्तों, माताओं, सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अल्टीमेट जो शरण है वो कृष्ण भगवान की है, पर सीधा कृष्ण के पास हम नहीं जा सकते, पहले प्रभुपाद जी से शुरू करना पड़ेगा। सबको प्रभुपाद जी से शुरू करना पड़ेगा। कोई कहे भाई और किसी से करेंगे, नहीं, प्रभुपाद एक प्रमाणिक गुरु हैं, जिनका काम ना आपसे छुपा है ना मेरे से छुपा है। उनका काम असंभव को संभव उन्होंने कर दिया। उन्होंने कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, पृथ्वी यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। 500 साल पहले गौरांग महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं मेरे नाम का प्रचार होगा। उसको सार्थक किसने किया, प्रभुपाद ने किया। इसलिए प्रभुपाद जैसा कोई नहीं है, प्रभुपाद जैसा संत एक ये इनकार्नेशन है जो भगवान की वाणी को सार्थक करने के लिए। और ये ऐसे नहीं हो गया बातों से, इन्होंने दुनिया भर के कष्ट उठाए, दुनिया भर के इनको तकलीफ मिली। अब गौ नेताएं को भी, तो गौ नेता भी भगवान बलराम और कृष्ण प्रचार कर रहे हैं। बलराम भगवान का, नित्यानंद भगवान का सर ही फोड़ दिया मदाई ने। कृष्ण भगवान को भी लोग मारते थे, चैतन्य महाप्रभु को ही उल्टी सीधी बातें करते थे। क्यों, क्यों पागल लोग हैं, दुनिया में खोए हुए लोग हैं, बेकार के लोग हैं, मनमलिन हैं, अपराधों से भरे हुए हैं। हमको नहीं समझ आता कि हमने क्या करना क्या नहीं करना है। तो प्रभुपाद को कितने कष्ट लगे हम और आप नहीं सोच सकते। तो ये इनका काम देखो, फले ना परिचिते, किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। मैं बातें बड़ी कर दूं पर किया क्या, कुछ भी नहीं। जिन्होंने किया वो सामने है हमारे, प्रभुपाद जी ने जो किया, ना कोई कर सका ना कोई करेगा। इसलिए इनकी शरण सबके लिए बड़ी आवश्यक है। ये नहीं सोचना भी है नहीं, जैसे अभी कृष्ण तो 5,000 साल पहले हुए थे मूर्ति रूप में, अभी भी हैं, ऐसे उनके भक्त भी मूर्ति रूप में रहते हैं। गुजराती में एक आरती है, बड़ी सुंदर आरती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें सब कुछ है। आखिरी शब्द आरती के हैं, प्रीतम जी थे भक्त, वो उन्होंने ये आरती लिखी। कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, हरि ना जन हरि जेवा, जो हरि के भक्त हैं वो हरि जैसे हैं। हरि नहीं है लेकिन हम रोज गाते हैं सुबह साक्षात हरि, कहते नहीं कहते, किसको कहते हैं, गुरु को, प्रभुपाद जी को। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा लेकर हमें आगे बढ़ना है।
जनरेशन जितनी आगे आने वालों को भी प्रभुपाद की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो इन अब जैसे कृष्ण भगवान हैं कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसे ही दुनिया में प्रचार केवल प्रभुपाद ने किया, दूसरा कौन करेगा। कोई कहे मैंने किया तो पहले प्रभुपाद ने तो कर ही दिया, तूने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद की शरण लेकर हमें आगे बढ़ना है। फिर कैसे राधा जी की शरण, राधा जी की शरण भी बड़ी आवश्यक है। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में सुबह जा रहे थे, हम भी साथ में थे उनके वृंदावन में, रोज सुबह प्रभुपाद सैर करने जाते थे। तो एक ब्रिजवासी किया, उसने बोला राधे राधे, प्रभुपाद कहते हैं वेरी नाइस, ब्रिजवासियों ने राधा जी की शरण ले रखी है। राधा जी की शरण बड़ी आवश्यक है। प्रभुपाद जब बाल रूप में थे, छोटे थे, इनके पिता शिला गौर मोहन जी महाराज, बोलो शिला गौर मोहन जी महाराज की, वो साधु संतों को घर में बुलाते, बड़ा अच्छा उनको प्रसाद खिलाते, अच्छी दक्षिणा देते, उनको प्रणाम करते, तो साधु संत बड़े खुश हो जाते थे। भारत साधु संतों का देश है, आपके मॉरिशस में साधु संत कहाँ मिलते हैं, मिलते हैं कोई नहीं, लोकल बन रहे हैं कुछ, पर बाहर से कहाँ आते हैं, हिंदुस्तान में तो इतने अभी भी बहुत हैं। तो साधु संत बड़े खुश होते थे, कहते गौर मोहन आपने बहुत सेवा की। वो क्या कहते थे, गौर मोहन मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, इस पर राधा रानी कृपा करे। कैसा भाव था, राधा रानी कृपा करो, प्रभुपाद जी पर पूरी राधा रानी की कृपा थी। देखो राधा कृष्ण कृपा बिना जो काम प्रभुपाद जी ने किया कोई नहीं कर सकता, इसलिए इनके चरणों में हमारी सदा विश्वास बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर कोई तरक्की नहीं होगी। अपने अंदर को मैं भी देखूँ, आप सब देखो, निंदा चुगली करने वाले देखो अपने अंदर कितना गंदगी भरी पड़ी है। अंत में कोई मदद नहीं कर सकता हमारी, जीवन काल में प्रभुपाद कृपा से, राधा कृपा से, परंपरा की कृपा से, राधा कृपा से हमने गंदगी निकालनी है और कृष्ण की शरण में आना है, बस कृष्ण की शरण में। और भगवान ने गीता में भी यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके तो मेरी शरण में आओ। मैं क्या करूंगा, तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। एकम कृष्ण ओनली, एकम कर्त वन, ओ कौन है कृष्ण, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वां सर्व पापे भ्यो मोक्ष शामी मां शुच, तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मैं मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत, चिंता मत करो, हेजिटेट मत करो। लेकिन हमारे पाप, हमारी बुराइयां, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन हमको कृष्ण की शरण में नहीं जाने देती, हमारे मन मलिन हैं। याद रखो ये सब कुछ टेम्परेरी है, एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑफ ए टेम्परेरी नेचर, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक भजन हम गाते हैं, लोगों को पसंद आया वो, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत जगत में कोई ना परमानंत, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चाहे लगाओ सेंट, चाहे जगत में कोई न परमानंत, जगत में
कोई न परमानंद, देखो जिनके मन निंदा चुगली में लगे हैं किसी के मेरे आपके इनके उनके, उनको सोचने दिए अरे मूर्ख तू ही यहाँ टेम्पररी है, ये बुराइयां छोड़, सच्चे भाव से प्रभुपाद कृपा से राधा कृष्ण की शरण में आ, अभी तुम बस तेरा मन जो कहता है तू करता है, कल को पछताएगा तुम। आगे कहा है आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टूरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे अंत, तेरे तंबू टंट, तेरे जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो जा पेंट, चाहे धोती पहन पेंट, जगत में कोई ना परमानंद, राष्ट्रपति हो जा जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, यह काल सभी को खा जाएगा, जय काल लेडी हो जा जंट, लेडी हो जा जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद, साधु संत की संगत कर लो, इस समय के सबसे बड़े साधु कौन हैं? कैसी होगी इनकी संगत, इनकी लीलाओं का गुणगान करो, क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो कहा वो करो, आप इनकी संगत कर रहे हो, प्रभुपाद की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अवसेंट, मत हो जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद, अगर इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, फिर हम समझते क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, ये भी थोड़ी विचारने की बात है।
देखो ये शरीर भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा करके हमको दिया, हम सबको कहीं भी मॉरिशस में या इंडिया में या कहीं भी दिया, इसलिए दिया कि हम उनको मिलें, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। भगवान कहते हैं ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे हैं और सनातन है, आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मना शष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कृषति, अभी छह इंद्रिय मन के साथ शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन, हम यहाँ सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्धि अगर नहीं होती हमें उल्टे सीधे काम करते हैं और सच्चाई को भूलते जाते हैं कि मैंने मरना है एक दिन। तो इन सब का इलाज क्या है, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशे जाते हैं। प्रभुपद कृपा से अगर हम कृष्ण के चरणों में राधा रानी के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति हो गई ना, फिर अज्ञानता अविद्या नहीं आएगी। अविद्या क्यों है, प्रेमा भक्ति अभी नहीं है, खाली पाखंड है, फ्रॉड है। देखो प्रेमा भक्ति को हम सबको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। शुरुआत हुई थी अपराध से, अपराधों से भी इसलिए हम नहीं बच पाते क्योंकि अपराधों पर अब सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं, हैं आप सब कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जैसे एक दूसरे भजन में है, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने सोचा था मैं एंजॉयमेंट करूं, भोगों को भोगूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, क्रिमिटोरियम को क्या कहते हैं आपकी भाषा में, समिचिया है, समिचिया, जिन्हें अपना बनाया था तूने, समिचिया में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका, दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। आया था हरी भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। याद रखो हम केवल भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई हैं, खाना पीना सोना आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य बेता तो पशु बे नराना, धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न ही ना पशु बे समानम, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग मनुष्य और पशु में एक जैसा है। अंतर क्या है, हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है, भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड, धर्मे न ही ना पशु बे समानम, जो धर्म से ही ना वो पशु है, वो एनिमल है, पर उसमें और एनिमल में फर्क यह है उसकी 2 टांगे हैं, एनिमल की 4 टांगे हैं, उसको 2 पद पशु में। आज हम एनिमल बन रहे हैं सब लोग, एनिमल बनने से बचना है और प्रभुपाद कृपा से भगवत प्राप्ति करनी है। तो बात शुरू हुई थी अपराधों से, अपराधों से बचो। अपराध करते रहोगे तो अकल भी काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। एक बार युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा यक्ष ने, इस संसार में सबसे
आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरे भाई मर गए, ये सब मर गए पर मैं नहीं मरूंगा, ये आश्चर्यजनक बात है। क्यों? मन इतना गंदा हो चुका है, नहीं समझते। इसलिए आवश्यकता ये है प्रभुपाद कृपा से इस मन को साफ करने की। मन चंगा ते कठोती में गंगा, एक चमार हुए रविदास जी महाराज, वो ऐसे थे, उनकी थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ। शुद्ध भक्त थे भगवान के, काम जूते से निकाई करते थे रविदास जी महाराज। बोलो रविदास चमार की। तो क्या हुआ, एक पंडित जी, पंडित बड़े ज्ञानी पंडित जी आए अपने जूते सिलाने के लिए। रविदास मेरे जूते सीधे, उन्होंने जूतों को रिपेयर किया। कहते पंडित जी अब कहाँ जा रहे हैं? कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। तो रविदास जी कहते हैं आप जा रहे हैं, मेरा काम करेंगे? हाँ बोलो क्या। दमड़ी, पहले पैसे होते थे नहीं, पर बड़ा छोटा दमड़ी कहते थे उसको, एक दमड़ी मेरी ले जाओ। पैसा धेला दमड़ी है ऐसी कुछ, बड़े पुराना ये करंसी थी। एक दमड़ी आप ले जाओ और ये गंगा मैया को दे देना। बोला गंगा में फेंक निकल? नहीं, आप ऐसा करना गंगा मैया को कहना रविदास ने भेजी यार, गंगा मैया हाथ निकाल के ले तो देना, नहीं तो वापस ले आना। पंडित सोचते रह गए चमार क्या कह रहा है ये, गंगा मैया की दमड़ी लेगी। ले ली उसने, ले ली, आया, नहाया धोया, स्नान किया, जाने लगा उसको याद है चलो मैं देखूँ तो सही। उसने दमड़ी निकाली, कहते गंगा मैया ये दमड़ी रविदास ने भेजी है, तुम अगर हाथ आगे करो तो इसको ले लो। जट गंगा से हाथ निकला दे दो। तो हैरान पंडित भाई, इतना महान भक्त रविदास। तो गंगा मैया का हाथ अंदर फिर गया, फिर एक गंगा मैया ने बड़ा सुंदर कंगन जो है, बड़ा कंगन समझते हो नहीं है? क्या बोलते हैं उसको आपकी माँ? कंगन कहते हैं हम भारत में, कंगन बहुत बड़ा। कहते ये रविदास को दे देना, गंगा मैया ने दिया। पंडित बेचारा चालू आदमी था, आया रविदास को नहीं दिया, वो बड़ा सुंदर राजा को दे दिया। ये राजा ने देखा भाई बड़ा कीमती कंगन है ये, बहुत सुंदर। अरे जो सेलेशियल जो माता गंगा के द्वारा दिया हुआ वो तो आम नहीं था ना, तो राजा ने अपनी रानी को दे दिया कि तुम्हारा ये बहुत सुंदर है कंगन, एक दूसरा भी ला के दो मेरे को। अभी राजा ने बुलाया पंडित को, पंडित जी आपने कंगन दिया था बहुत बढ़िया, अभी आप ऐसा करो दूसरा भी ला के दो। अब कहाँ से लाए पंडित? पंडित की माँ मर गई बेचारे की, अभी क्या करूँ? पंडित घबराया, रविदास के पास गया, कहा रविदास जी महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई, आपकी दमड़ी गंगा मैया ने हाथ लेके ली थी और बदले में कंगन दिया था, और वो कंगन मैंने राजा को दे दिए, देना आपको था, मुझे माफ़ कर दो। और राजा मुझे कह रहा है अब एक कंगन और लाओ, मैं कहाँ से लाऊँ? बस इतनी सी बात, घबराओ नहीं पंडित जी, वो जो कटोती है ना जिसमें चमड़ा भिगोते हैं, पत्थर का होता है वो, इंडिया में यहाँ तो नहीं होता होगा, कटोती को रविदास जी ने हटाया तो नीचे से गंगा बह रही है। गंगा जी ने हाथ किया, कंगन महाराज ले लो जितने कंगन लेने हैं। तो एक कंगन उसने लिया, राजा को दिया, राजा को बताया कि रविदास बहुत बड़ा भक्त है। राजा आया, रविदास जी महाराज मेरे को आशीर्वाद दो। रविदास जी बस जूते सीने का काम कर रहे थे, उन्हें कठोती में जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसका थोड़ा पानी चन्नामर के तौर पर राजा को दिया। ऐसे ही किया है ना भाई, चन्नामर तो राजा ने पिया नहीं, ऐसे कर दिया, वो बह गया, इधर चला गया, बह गया। तो राजा ने कपड़े खोले, चेंज किए, जो धोबन राजा के कपड़े धोती थी उसने देखा क्या दाग लगा, उसने ऐसा किया, चूसा उसको, उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया, भक्त बन गई वो। भाग्य महाराज ये क्या लगा दाग, क्यों क्या हुआ? कि महाराज इसको चूसा मैंने सांप करने के लिए, मेरे को तो बस आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया,
फिर भागा राजा, कहते अभी नहीं, वो समय चला गया। तो कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है, अगर मन साफ है। रविदास जी बड़े उनकी भक्त मान में कसाती है, अपने प्रोफेशन को रखते हुए भी इतने महान थे। गंगा जी उनकी कठौती के नीचे बह रही थी। तो ये प्रभुपाद ने मिशन दिया है भक्ति का, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई जाति भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, रंग भेद नहीं। एक और हमारे आचार्य हुए रामानंद संप्रदाय के, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हुए बड़े महान थे, उनका नाम था रामानंद आचार्य। कृष्ण भगवान ने एक अपने भक्त को बोला, जाओ उनसे दीक्षा लो। बहुत ही धन्ना जाट भी बहुत बड़े भक्त हुए राजस्थान में। वो गए तो वो रामानंद आचार्य क्या कहते थे, मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। पर भजन करना पड़ेगा, ये नहीं करी स्वांग किया तो मैं बन गया महान, ना। हृदय को बदलना पड़ेगा। हृदय में गंदगी है तो फिर भाई कुछ भी तुम करो, वो चीटिंग नहीं चलेगी। आध्यात्मिक जगत में चीटिंग नहीं चलेगी, धोखा नहीं चलेगा। जो शुद्ध हो गया वो पूजने योग्य है, चाहे कोई भी है। ये सब प्रभुपाद जी ने दिया है। बेस्ड ऑन भागवतम, बेस्ड ऑन भगवद गीता, हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर हैं उनमें ऐसा लिखा होगा। आज तक किसी ने नहीं दिया ऐसा। पंडित सोचते थे ये दे दिया हम तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने जो है उनको अपनी दुकान, उन्होंने भगवान की दुकान चलानी थी, सब भगवान की शरण में जाए। इसलिए कृपा करके इन बातों को आप समझो। समझोगे या नहीं? एक मर्चंट माता ये बोल रही है जी समझेंगे, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, अभी चुप है। समझोगे या नहीं? समझोगे तो भाई काम आएंगे, नहीं समझोगे तो भाई आपकी इच्छा है, नहीं समझोगे तो आपकी इच्छा है। आखिर में स्वयं पछताने के हाथ में कुछ नहीं आएगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। एक शब्द कहे हैं कृष्ण के लिए, बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो, भगवान बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं है। किसी की निंदा और चर्चा मत करो, अपने दोषों को निकालो। अगर तुम्हें कोई पद मिल गया है ना, उसका दुरुपयोग मत करो, टेम्पररी है। रावण को कितना बड़ा पद मिला था, कहाँ वो रावण का बच्चा भी, बड़े बड़े पदों वाले थे, कहाँ गए वो भी, सब समाप्त हो गए। काल की चपेट में आ गए, सब काल ने सबको खा लिया। हमें किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग। पद मिला है उसका सदुपयोग करो, दूसरों की मदद करो। क्या मदद भाई? नाम जपो, हरि नाम करो, प्रभुपाद जी की बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो। लोगों की समझ ठीक नहीं है, लोग प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। चीटिंग कहीं नहीं चलेगी, कहीं नहीं। अगर हम चीटिंग करेंगे, प्रभुपाद कहते थे उनके मुखारविंद से ये शब्द निकले, अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। भगवान कहते हैं धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला। हमें अच्छे बनना है, अच्छे बनेंगे प्रभुपाद कृपा से, हमें सबसे अच्छे भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। अगर हम चीटर बनेंगे ना, फिर भी मिलेंगे, पता कौन मिलेगा? नहीं जानते ना, अरे बताता हूँ, यमदूत मिलेंगे। यमदूत जो है, यमदूतों के बारे में एक भजन हम गाते हैं, एक दो लाइन सुनाता हूँ। भगवान से प्रार्थना की है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, स्वामी
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कोई रोग यम दर सुना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम अगर हमने अंत में कृष्ण के दर्शन नहीं किए तो भैया फिर यमदूतों के दर्शन होंगे। यमदूत ऐसे हैं उनको देखते ही मल मूत्र का त्याग हो जाता है, इतनी डरावनी शक्ल है यमदूतों की। अगर हम संसार में धोखाधड़ी में मैं आप ये वो फंसे रहे ना तो यमदूतों को देखना पड़ेगा, और प्रभुपाद नहीं चाहते कोई भी यमदूतों को देखे, प्रभुपाद चाहते हम सब कृष्ण को देखें अंत समय में। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आप कहते हैं आखिरी समय में इतना मुश्किल है भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना, पर हम कैसे ले पाएंगे? प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, इफ यू आर ए सिंसियर डिवोटी, अगर तुम अच्छे भक्त हो तो कृष्ण तेरी मदद करेंगे अपना सिमरन करवाने के लिए। कृष्ण कृपा से ही हम कृष्ण का नाम ले पाएंगे, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। तो अपराधों से बचो, अपराध नहीं करो। देखो हम एक दूसरे को चीटिंग करते हैं, आप कुछ मेरे से छुपाओगे मैं आपसे छुपाऊंगा, लेकिन हम भगवान से छुपा सकते हैं? बोलो, मोर्चिस में छुपाते होंगे। अरे भगवान तो इतने बैठे सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। हमने कृष्ण भगवान के आगे सच्चा बनना है, दुनिया के आगे सच्चे बने नहीं बने कोई बात नहीं, भगवान के आगे सच्चा बनना है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है, और ये जो प्रेमा भक्ति प्रभुपाद जी ने दी है, कल भी मैं कह रहा था निष्काम भाव से भक्ति करनी है, कोई भौतिक इच्छा नहीं। हमारे चार्य ने कहा है अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलना कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, अन्नाभिलाषता शून्य, कोई नहीं, नेम फेम की बड़े पद की कोई कुछ नहीं चाहिए, अन्नाभिलाषता जीरो। ज्ञान, ज्ञान बखाना, बड़े लोग ज्ञानी बनते हैं, लोग ज्ञानियों कहा ये बड़ा ज्ञानी है। कर्म, हम सब प्रायः कर्मी हैं, वी आर फ्रूटी वर्कर्स, फल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने इसको कंडेम्ड किया, ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णानु, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो करना हमने। उदाहरण, अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन ने मना कर दिया, मैं नहीं, परिस्थिति ऐसी होगी, परिवार था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने समझाया क्यों करना है युद्ध, ये सब दुष्ट लोग हैं, तेरे परिवार के तो हैं, ये सब दुष्ट हैं, दे आर सिनफुल पीपल, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। एक जगह आके लिखा है प्रभुपाद जी ने 11th chapter verse 49 में पोरपट में लिखा है, अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं भीष्म पितामह, वो मेरे पितामह है, मैं जब बच्चा था तो उनकी गोद में खेलता था, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूं? भगवान ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो मैं गलत, अरे भगवान जो कहते हैं वही परफेक्ट है।
भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, नग्न कर रहे थे उसको, तब ये दोनों वहीं बैठे थे, कुछ नहीं बोले। नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य विमुखता। आखिर भीष्म पितामह को ही मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को ही मरना पड़ा, जब दोनों बड़े शक्तिशाली थे। गलत आदमी का साथ दिया, ऑल इज वेल एंड इज वेल एंड, उनका भी जाना पड़ा। तो हमें नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होना चाहिए। एक बात प्रभुपाद ने क्या कही है, शायद मैंने कल भी कही थी, आज फिर कहता हूं। प्रभुपाद कहते बड़ी भीड़ भाड़ मत इकट्ठी करो। लेटर लिख रहे हैं, एक हमारा गुरु भाई था, उसको लिखा पत्र प्रभुपाद जी ने, बोला कि इफ यू एड वाटर इन द मिल्क टू चीट द कस्टमर, इफ यू कीप ऑन एडिंग द वाटर, इट विल बी नो मोर मिल्क, इट विल बी ए वाटर। दूध में अगर तो पानी डालोगे ग्राहक को चीटिंग करने के लिए, तो पानी बन जाएगा, किसी काम का नहीं। बॉयल द मिल्क, उसको ठीक करो। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं, अभी जो कुछ मिला है अच्छे बनो। प्रभुपाद वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सो मनी डिवोटीज, उसने बोला आई वॉन्ट वन मून, आई डोंट वॉन्ट मिलियंस ऑफ स्टार्स। स्टार्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक मून सारे स्टार्स में चमकता है। प्रभुपाद के चरणों पर चलना है हमने, और इस आंदोलन को जो सारी दुनिया को बचा सकता है, पर सारी दुनिया बचेगी नहीं। क्यों? प्रभुपाद ने ये शब्द कहे हैं, प्रभुपाद के शब्दों को याद रखो। प्रभुपाद ने कहा कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी, ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, लेकिन अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना, तो दुनिया बच जाएगी। भक्तों के माध्यम से दुनिया बच जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी की बातों को कृपया ध्यान रखो और इनको जीवन में धारण करो, और अपना आखिरी समय अच्छा करने का प्रयास करो। उस समय कोई हमारी मदद नहीं करेगा। प्रभुपाद कृपा से अगर हम कृष्ण की शरण में आए होंगे, राधा रानी की कृपा मिली होगी, गौर नीता की कृपा मिली होगी, हमारे सारे दोष चले गए होंगे, तो फिर हमारा अंत अच्छा होगा। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो नाम अपराधों से बचना है। नाम जपा पर अपराध करते रहे कोई लाभ नहीं होगा। पहला नाम अपराध, उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है, याद रखो इस बात को। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। इस समय के सबसे बड़े गुरु ये हैं प्रभुपाद, जो इन्होंने कहा वो करेंगे तो हम तरेंगे। अगर इनकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे, मनमर्जी करेंगे, तो मरेंगे, नरक में जाके सड़ेंगे। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना, देवी देवताओं का सम्मान करना, भक्ति केवल कृष्ण की। तीसरा नाम, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध, वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन दस नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, याद रखो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम मिल गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर अगर चीटिंग करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा।
क्योंकि निंदा का प्रेम है मेरे अंदर, चीटिंग का प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम तो ना मिले। निंदा चुगली बुराइयाँ निकालनी पड़ेंगी, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा, तभी हमारा अंत अच्छा होगा। जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्प तरु के समान मनचाह फल देने वाले हैं और जो पति जी मुँह पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्प तरु कृपा सिंधु पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हाँ, ये लेटर मैं जो कह रहा था आपको, धन्यवाद जिसने मुझे ये लेटर दिया। ये प्रभुपाद ने लिखा था, लेटर टू हंसदूत, 22 जून 1972। नाउ वी हैव गॉट सो मैनी स्टूडेंट्स, प्रभुपाद कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद की, एंड सो मैनी टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर भी हैं, बट आई एम फियरफुल, प्रभुपाद कहते हैं, मैं डर रहा हूँ, दैन इफ वी एक्सपेंड टू मच, बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे इन दिस वे, दैट वी शैल बिकम वीकन, ज़्यादा एक्सपेंशन से हम कमज़ोर हो जाएंगे, एंड ग्रेजुअली द होल थिंग विल बिकम लॉस्ट, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जस्ट लाइक मिल्क, वी मे थिन इट मोर एंड मोर विद वाटर फॉर चीटिंग द कस्टमर। कितना अच्छा प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, बट इन द एंड इट विल सीज टू बी ए एनी लॉन्गर मिल्क, आखिर में वो दूध नहीं रहेगा। बेटर टू बॉयल द मिल्क, मिल्क को उबालो वेरी विग्रसली, अच्छी तरह से, एंड मेक इट थिक, अच्छा सॉलिड एंड स्वीट्स और मीठा, दैट इज द बेस्ट प्रोसेस, सबसे अच्छी प्रोसेस है। सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन ट्रेनिंग अवर डिवोटीज, हमारे डिवोटीज को ट्रेन करने के लिए हम प्रयास करें वेरी थारोली इन द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। पक्के भक्त बनना है फ्रॉम बुक्स, हमारे जो प्रभुपादिक बुक्स हैं, फ्रॉम टेप्स, बाय डिस्कसिंग ऑलवेज एंड इन सो मैनी वेज इंस्ट्रक्ट देम इन द राइट प्रपोजिशंस, सबको ठीक मार्ग पर चलाओ। पतित पावन शिल प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद की बातों को कृपया समझो, आपके इस मुर्शिद को प्रभुपाद जी ने पवित्र किया हुआ अपने चरण कमलों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभुपाद मॉरिशस आ रहे थे, मैं इंडिया में उनका सर्वेंट था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? एक डिवोटी था, उसकी कंप्लेंट की थी मैंने प्रभुपाद को, और डिवोटी जो है अफ्रीका में था, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है मॉरिशस भी, तो उसने किया था, प्रभुपाद जी ने उनको भी खुश करने के लिए, मैं बम्बे में ही रहा था और प्रभुपाद यहाँ आए थे, तब मैं भारत में उनकी सेवा में था, पर्सनल सर्विस में था। यहाँ भी आए प्रभुपाद, साउथ अफ्रीका में भी गए, यहाँ पर आपके मॉरिशस में प्रभुपाद जी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पता आपको सुन रखा आपने? नहीं नहीं जानते, एक्सीडेंट रखा लेकिन हैं, हाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब ये है कि आप लोगों के कर्म प्रभुपाद जी ने लिए थे अपने ऊपर, अभी आप सब सीधे हो जाओ, हो गए या नहीं होंगे? डंडा देखा मेरा नहीं? डंडा चला दूंगा मैं अगर सीधे नहीं हुए तो। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? थोड़ा धीरे धीरे बोलो,
एक्सेंट तुम्हारा मुझे दूर से सुनाई नहीं दे रहा, ठीक आवाज़ आ रही है, थोड़ा आगे आके वो माइक माइक नहीं आएंगे और माता इधर आ जाओ पद्मनोचंद इधर पास में आ जाओ। हाँ, और तेरा पेन नीचे गिर गया। गुरु महाराज हरे कृष्ण। जहाँ हम भगवद गीता कोर्स देते हैं वहाँ पर पब्लिक ऑफिसर आते हैं, तो उनमें से एक हैं जो बहुत अभी शुरू किया, बहुत रुचि है गीता पाठ करने में। हमने उसे प्रपोज किया कि जब भी करे, रोज़ रोज़ जब माला करे, तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में आप हमें क्या करना चाहिए? हाँ अच्छा, अच्छी तरह बैठ जाओ, यही बताते हैं। इसका आंसर माता प्रभुपाद जी ने दिया है। जब उसको क्यों नहीं अच्छा लग रहा, प्रभुपाद ने समझाया है एक जॉन्डस बीमारी है। जॉन्डस समझते हो? नहीं। जॉन्डस का जो बीमार है उसको शुगर कैंडी खाया खाने के लिए मीठा खाना चाहिए खूब, तो उसको मीठा अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। पर उसको इंटेलिजेंस से काम लेना है, मैं बीमार हूँ इसलिए शक्कर मुझे अच्छी नहीं लग रही, पर इसी शक्कर से मेरी बीमारी ठीक हो गई। जब खाता रहेगा, खाते खाते जैसे बीमारी उसकी ठीक होगी, और शक्कर जो उसको अच्छी नहीं लग रही मीठी लगना शुरू हो जाएगी। ये उसको आपने बताना है, नहीं तो हमारे पास लाना, हम समझाएंगे उसको, उससे बात करेंगे। ऐसे ही एक केस हमारे पास आया चंडीगढ़ में जब हम प्रेसिडेंट थे। एक माता मंदिर में आती थी, तो बोलो बातें मत करो, बात बातें नहीं करनी। अरे बोल। एक माता मंदिर में आती थी चंडीगढ़ मंदिर में पंजाब में। वो कहती है हमारे घर सत्संग करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपने क्यों पूछा? कहते मेरा पति नास्तिक है। मैं कोई बात नहीं, आप करेंगे सत्संग। उसने पति को कहा कि सत्संग करवाना, कहते नहीं करवाना है। कहते करवाना है, कहते नहीं करवाना है, कहते करवाना है। उसने बोला वो बड़ी तेज है, उसने बोला करवाना है। कहते मैं घर नहीं आऊँ, कहते नहीं आऊँ। उसने सत्संग रख दिया। वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा मटेरियली, उसने MBA किया है, इंजीनियर है, एक बड़ी फर्म का वो मैनेजर है, तो शिवानंद का मैनेजर लगा हुआ था। उसने सत्संग रख दिया, उसने सोचा मैं नहीं आऊँगा तो बेइज्जती होगी। उसने मूवी बनाना शुरू कर दी मेरी, सत्संग में मूवी बनाई। आखिर में हम जब प्रसाद देते हैं सबको, यहाँ भी देते हैं, आप सब लोग भक्त हैं, उसको मैंने कहा आपने थोड़ा महामंत्र का जप करना है। कहते मैंने आपसे बात करनी है। मैं जानता था उसको, मैं कब करनी है, जब आप कहो। मैंने अभी करो। उन लोगों को डिनर सर्व करना शुरू किया, हम बच्चों के कमरे में गए, हम बातचीत किया उससे प्रभुपाद कृपा से। वो नास्तिक आदमी रात के 1 बजे तक मेरे साथ बातें करता रहा। 1 बजे के बाद वो कहता है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे हम। तो उसको मैंने कहा जप करना है। कहते जप नहीं होता मेरे से। मैंने कहा ट्राई करो, प्रयास करो, प्रयास कर। अभी वो 64 माला करता है। तो प्रयास करना है, उसको समझाना है। उसमें शुरू हो गया काम, को कर्म बीच में आ रहे हैं ना उसके, लेकिन ट्राई करने से, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। भगवान ने गीता के 6th अध्याय में कहा है कि अर्जुन ने कहा पहले भगवान को, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथी बलभद्रणम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एव सदुष्करम। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसको समझाना बहुत कठिन है। वायु को कोई भले वश में करे, वायु को कौन वश में कर सकता है, पर मन वश में नहीं होता। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं उसका, अर्जुन का? असंशयम महाबाहो,
मनोद्रुनी ग्रहम चलो। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को वश में करना बहुत कठिन है। भगवान भी कह रहे पर कैसे वश में होगा, भगवान कहते हैं अभ्यास ही ना तो कौनते हैं। ये कुंती पुत्र प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास है ना तो कौनते हैं वैराग्य न चक्रिये। दूसरी बात भगवान ने बोली विराग लाना। विराग क्या, मेरा कुछ भी नहीं है जहाँ, मेरा है कुछ बोलो नहीं, आपका है नहीं, बोलते क्यों नहीं फिर नहीं, हम जब आए थे तो हाथ बंद थे, जाएंगे तो हाथ खोल ले, मेरा क्या है कुछ भी नहीं है। तो भगवान मन में विराग लाओ और अभ्यास करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। यहां मॉरिशस में कुएं नहीं है ना, हैं नहीं है ना, हैं पहले है कुएं में से, इंडिया में कुएं बहुत होते हैं, बाल्टी में बाल्टी से पानी निकालते हैं रस्सी बांधकर, तो पत्थर लगे हैं कुएं में साइड में और रस्सी नरम है, बाहर में जब पत्थरों को लगती है उसमें निशान पड़ जाता है। ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो अभ्यास करना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, ठीक है पद्मलोचन माता, हरे कृष्ण। और तो नहीं प्रश्न किसी माता को, हरे कृष्ण। हाँ क्या कहनी है, आज कीर्तन बहुत हो गया, कल करेंगे। और कोई प्रश्न किसी को, ठीक है सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रसाद लाओ, प्रसाद किधर है, हाँ ले आओ ले आओ, रखो इधर रखो, हरी बोल जो इसको उठाओ। ऑनलाइन क्वेश्चन क्या है, कौन सी जगह से है, पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हाँ हरे हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी आपकी व्यास पूजा का महोत्सव अति सुंदर था, कृष्ण भगवान आपको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दे। आप बस मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें कि मैं हमेशा जप करती रहूं। मैं 16 माला जप करती हूं और चलते फिरते भी जप करने की कोशिश कर रही हूं। मैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ती हूं और जो कोई आत्मा मेरे संपर्क में आती है उन्हें महामंत्र करने को कहती हूं और प्रभुपाद जी की बुक्स देती हूं। आपकी पुस्तक अनमोल मोती बहुत ही सुंदर है, मैं रोज़ खुद भी पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी स्टोरीज सुनाती हूँ। आई एम द मोस्ट फॉलन सोल ऑन दिस अर्थ, मैं कृष्ण जी की प्रभुपाद जी और आपके चरणों को पाने के लायक तो नहीं हूँ, बस फिर भी जीवन में ये ही चाहिए और कुछ नहीं। आप अपनी कृपा मेरे पर बनाए रखें। पायल माता, पायल सचदेवा ना जी, मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए हैं, कृष्ण तुम पर कृपा करें। ऐसा ही सोचना चाहिए जैसे तुम सोच रहे हो, कोई ये सोचे मैं बड़ा महान हूँ तो हमें बुराइयाँ आ जाएंगी, हमको अपने आप को पतित ही सोचना चाहिए तभी हम पावन हो पाएंगे। अगर ये सोचा ही नहीं हम पतित हैं तो पावन कैसे होंगे। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, सोच को बना के रखो, प्रभुपद आप पर कृपा करें और आप भक्ति में आगे बढ़ो और लोगों में भी भक्ति का प्रचार करो। धन्यवाद, हरे कृष्णा। सचिन शर्मा जी हैदराबाद से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी, हैदराबाद केंद्र भी प्रभुपाद जी के मुख्य केंद्र में से एक है। आपके प्रवचन के माध्यम से सुना कि आप 1974 में प्रभुपाद जी के साथ हैदराबाद आए थे। गुरु महाराज, हैदराबाद की यादें भी आपके मुखारविंद से सुनने की इच्छा हो रही है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं आपका स्वस्थ अच्छा रहे और आप जल्द से जल्द हैदराबाद आकर यहाँ के भक्तों पर अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से कृपा करें। आपका सेवक सचिन शर्मा। सचिन जी धन्यवाद आपका, आपने ठीक कहा,
प्रभुपाद जी के साथ हैदराबाद में हम आए थे, जब प्रभुपाद वहाँ थे, प्रभुपाद के वहाँ आने से ही तब हैदराबाद में सूखा पड़ा हुआ था 6 साल से। प्रभुपाद जी की जो कीर्तन मंडली वहाँ थी, उन्होंने कीर्तन किया तो 6 साल के बाद हैदराबाद में रेन हुई थी, तो पेपरों में हेडलाइन थी, हरे कृष्णा ब्राट रेन इन हैदराबाद। तो सचिन शर्मा जी, हरे कृष्णा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, प्रभुपाद आप पर कृपा करें, धन्यवाद। कशिश माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें स्वयं को तृण से भी अधिक नीच मानना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए और अपना मान प्राप्त करने की भावना से मुक्त रहना चाहिए। हम महाप्रभु की इस आज्ञा का किस प्रकार अनुसरण कर सकते हैं और हर व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं? कौन सी माता है ये? कशिश। कशिश माता, ऐसा है, जब आप भक्ति करोगे ना, नियमों का ठीक तरह पालन करोगे, जप करोगे, धीरे धीरे जब शुद्धि होगी, ये सारे गुण आप में आ जाएंगे ग्रेजुअली। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम नहीं होगा। कशिश माता, समझाइए, आपको लगे रहो और जप करो, हर समय नाम में ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सच बोलो, 4 नियमों का पूरा पालन करो और ग्रेजुअली आप एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल बाला माता, राघव प्रिया माता और जयदेव प्रभु अमृतसर की पुत्री, परम पूजनीय श्री गुरु महाराज जी, आपकी शिष्य जल बाला देवीदासी का आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बेटियों की प्राप्ति हुई थी, परंतु एक बेटी जन्म के बाद भगवत धाम को चली गई और मेरी हार्दिक इच्छा है कि दूसरी बेटी का नामकरण आपके मुखारविंद से हो। बेटी का नाम दी अक्षर से निकला है, सो आप बिटिया का नामकरण करके अपना आशीर्वाद देने की हम पर कृपा करें ताकि वह भी एक अच्छी भक्त बन सके। जलवाला, मेरी शुभकामनाएं तेरे लिए, तेरी बेटी का नाम है दिव्य गीता। दिव्य गीता सुन तो नहीं रही नार्वे वाली? वसुधा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी इस पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से आपकी पुस्तक अनमोल मोती की 4 कॉपीज हमने अपनी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की लाइब्रेरी में रखवाई है। यह प्रचार आपकी कृपा से संभव हो पाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वसुधा देवी माता। हरे कृष्ण। अभी आइए सब लोग, प्रसाद लीजिए।